नमस्कार दोस्तों, और टेक्निकल प्रतिक्रिया स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एंट्री लेवल और बजट लेवल स्मार्टफोन्स का, तो इसमें अगर आप देखते हैं कि बहुत सारा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आ रहा था, तो अभी थोड़ा शिफ्टिंग हो रहा है। अगर हम थोड़ा दो साल का पीछे जाएं तो देखे होंगे स्नैपड्रैगन का 625, 636 या फिर स्नैपड्रैगन का 630, ये सब प्रोसेसर ज्यादा बजट स्मार्टफोन में आ रहा था। लेकिन दोस्तों, अभी अगर हम बात करें मार्केट का, तो अभी आ रहा है मीडियाटेक का हेलियो P22, P60, P70। तो शिफ्टिंग क्यों हुआ, क्या इसमें डिफरेंस रह गया कि जो स्मार्टफोन ब्रांड है अपने स्मार्टफोन के लिए मीडियाटेक चूज कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। बात करें बजट कैटेगरी स्मार्टफोन्स का, तो अभी आप देखते रहेंगे बहुत सारे हेलियो का P22 जो प्रोसेसर है, बहुत ही धमाल मचा दिया। 8000 या फिर 10000 का रेंज के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन ये हेलियो P22 के प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि 10000 के नीचे 10000 का ऊपर भी थोड़ा इधर उधर होता रहता है। तो क्यों हेलियो P22 इतना पॉपुलर हो गया कि स्मार्टफोन ब्रांड अपने स्मार्टफोन में लगा रहे, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो थोड़ा पीछे अगर हम बात करें बिफोर 2 ईयर्स, तो मैं अब तब आ रहा था 10-15 हजार के अंदर जो स्मार्टफोन आ रहा था, तो इसमें आपको लग रहा था स्नैपड्रैगन का 625 या फिर स्नैपड्रैगन का 636 या फिर स्नैपड्रैगन का 630। बट अभी रिसेंट अगर हम बात करें तो स्नैपड्रैगन का 450 जो है वो भी बहुत सारे स्मार्टफोन में लग रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें 6-7 महीने का अंदर, तो मार्केट पूरा चेंज हो गया। स्नैपड्रैगन से पूरा मीडियाटेक ले आया है कि मीडियाटेक में हाथ में सब फोन आ गया है कि सब फोन ब्रांड जो कि मीडियाटेक का हेलियो P22, P60 या फिर P70 को लगा रहे हैं अपने फोन में। तो अगर हम बात करते हैं मतलब क्या हेलियो P20 में ऐसे मतलब स्पेसिफिकेशन है, तो स्पेसिफिकेशन अगर दमदार रहेगा तो ये स्मार्टफोन के ब्रांड चूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ हेलियो P20 में इसमें क्या लगा है। तो अगर हम बात करते हैं हेलियो P22 का, इधर आपको 12 नैनोमीटर का ऊपर बेस्ड है ये प्रोसेसर, ऑक्टाकोर एक चिपसेट लगा है इसमें। अगर हम बात करते हैं कॉर्टेक्स कोर का, तो इधर आपको A53 मिल जाता है, 8 कोर का ऊपर बेस्ड है। क्लॉक स्पीड का बात करें तो आपको इधर 2 GHz का क्लॉक स्पीड मिल जाता है, ताकि आपका परफॉर्मेंस में आपका बहुत ही अच्छा एक परफॉर्म करता है। तो और एक बात करें तो हेलियो P22 का, हेलियो P22 जो प्रोसेसर है ये ट्रिपल कैमरा को सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम लोग 8-10 हजार का अंदर इन्फिनिक्स का भी एक तो फोन है जो कि ट्रिपल कैमरा, या फिर LG V30 Plus का बात करें तो आपको इधर ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसर की वजह से इतना पावरफुल फोन हो रहा है। अगर हम बात करते हैं जो हेलियो P22 का, इसमें आपको 6GB रैम भी सपोर्टेबल है, LPDDR4X रैम इधर जो कि रैम टाइप सबसे नया बेस्ट है, जो कि लेटेस्ट ही इसमें आपको हेलियो P22 में सपोर्ट मिल जाता है, ताकि वो जो स्नैपड्रैगन का 636 में ये सपोर्ट नहीं था। तो इसलिए हम लोग को दोस्तों प्रोसेसर के वजह से हम लोग को 7-8 हजार का अंदर बहुत ही अच्छा अच्छा फोन मिलता है, जो कि गेमिंग में भी अच्छा रहता है, डे टू डे लाइफ में भी अच्छा रहता है। अगर हम बात करें मल्टीमीडिया फिर मतलब डेली टास्किंग के लिए, मतलब आपको ओवरऑल देखने से तो स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो अगर हम एक तो स्मॉल सा कंपैरिजन करें हेलियो P22 और स्नैपड्रैगन का 450 के साथ, तो अगर हम बात करते हेलियो P22 का, इधर आपको 12 नैनोमीटर का बेस्ट है, जहां पर इधर आपको स्नैपड्रैगन का 14 नैनोमीटर का बेस्ट है। क्लॉक स्पीड का बात करें तो आपको इधर हेलियो P22 2 GHz का पर मिलता है, जहां पर आपको इधर 450 1.8 GHz का पर मिलता है। तो ये था टोटल हार्डवेयर का, हार्डवेयर अपना फोन में जो लगता है, मैं जो स्मार्टफोन अपना फोन में लगाते हैं, हार्डवेयर तो एक चीज है, लेकिन दोस्तों सॉफ्टवेयर अगर इसका अच्छा नहीं होगा तो फोन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। दोनों का मतलब 50-50% शेयर रहता है, हार्डवेयर 50% रहने से सॉफ्टवेयर 50% होना चाहिए। अगर हार्डवेयर अच्छा रहेगा, सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं रहेगा, तो फोन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो अगर हम बात करते सॉफ्टवेयर का, तो अभी जितने सारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो एंड्रॉइड पाई के ऊपर बेस्ट है। एंड्रॉइड ओरियो तो पीछे आ रहा था, लेकिन अभी एंड्रॉइड पाई के ऊपर जितना बेस्ट है। अगर हम बात करें थोड़ा फ्यूचर का, तो एंड्रॉइड क्यू भी आने वाला है, तो ये कंपनी अगर अच्छा मतलब सॉफ्टवेयर का अपडेट देंगे तो एंड्रॉइड क्यू भी आपको इधर यूज कर सकते हैं। देन बात करते यूआई का, यूआई भी एक तो मायने रखता है स्मार्टफोन्स का। अगर आपके यूआई अच्छा भी नहीं रहेगा तो आपको फोन चलाने में या फिर स्पीड में थोड़ा आपको कमी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं यूआई का, तो इधर आपको कॉलर ओएस या फिर फ्रंट टच ओएस या फिर चीता ओएस या फिर एंड्रॉइड वन का ऊपर भी बेस्ट है बहुत सारे स्मार्टफोन, जो कि इधर हेलियो P22 का प्रोसेसर के साथ आता है। अगर हम बात करते हैं हेलियो P22 को स्नैपड्रैगन का 625 या फिर 636 से एक छोटा सा कंपैरिजन करके, तो इतने मतलब हेलियो P22 ये स्नैपड्रैगन का 625 जो 636 है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा कम मतलब इतना अच्छा डिग्रेड प्रोसेसर नहीं, मतलब ये बोल रहा हूँ
इस 625 630 अपने टाइम में अच्छा था, लेकिन हेलियो P22 अभी बहुत ही धमाल मचे दिया। 636 जो है प्रोसेसर, जहां पर आपको Redmi का Note 5 Pro में लगा था, उसमें आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट मतलब ट्रिपल कैमरा का ऑप्शन नहीं देता है, मतलब सपोर्ट नहीं करता है, जहां पर इधर आपको हेलियो P22 सपोर्ट करता है। तो इन दोनों प्रोसेसर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हेलियो P22 कभी कभार इन दोनों प्रोसेसर को भी थोड़ा थोड़ा काट सकता है। अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग का, तो हेलियो P22 के जितने से स्मार्टफोन से बहुत ही चीपर प्राइस में आपको मिल जाता है बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। तो फॉर दिस रीजन, तो इसकी वजह से हेलियो P22 आजकल का मार्केट में ज्यादा फेमस हो गया है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता रहा था। आप समझ गए होंगे हेलियो P22 कितना फेमस हो रहा है, ये मतलब इसका रीजन मैं आपको बता दिया। तो इसका थोड़ा एग्जांपल ले जाते हैं हेलियो P22 को कितने सारे स्मार्टफोन से अगर आप लेना चाहते हैं हेलियो P22 वाला स्मार्टफोन, तो इसमें आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो रियलमी का जो C2 है, इधर आपको हेलियो P22 का प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि 7000 या फिर 6000 में आपको मिल जाता है, 2GB रैम या फिर 3GB की रैम। तो आप रियलमी C2 को भी देख सकते हैं। तो ये नहीं बोल रहा हेलियो P22 आपको गेमिंग के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा, गेमिंग के लिए मैं प्रोसेसर रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। गेमिंग अगर आप करते हैं पबजी या फिर कुछ पबजी तो खेलते रहेंगे ज्यादा, तो पबजी आपको मीडियम ग्राफिक्स में खेल सकते हैं, इधर आपको हाई ग्राफिक्स में नहीं जा सकते। अगर आपको हाई ग्राफिक्स जाना है तो आप हेलियो P60 या फिर हेलियो P70 या फिर हेलियो P25 को भी देख सकते हैं। ओप्पो का A1 है जो कि ऑफलाइन मार्केट में मिलता है, वो भी आपको हेलियो P22 को प्रोसेसर का ऊपर बेस्ट है। इन्फिनिक्स का Note 7 Pro है जो कि बहुत ही अच्छा फोन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इधर आपको 8-9000 के अंदर आपको 6GB रैम का सपोर्ट मिलता है। तो प्रोसेसर के वजह से ये 6GB रैम अपना फोन में दे सकता है इतना कम प्राइस के अंदर। इधर आपको क्वाड कैमरा सपोर्ट भी मिल जाता है, आगे में दो कैमरा पीछे दो कैमरा भी इधर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस स्मार्टफोन्स का। अगर हम बात करते हैं वीवो का, तो वीवो का Y12 भी एक तो फोन है जो कि इधर हेलियो P22 को सपोर्ट करता है, इधर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट है, इधर आपको 5000mAh का बैटरी भी मिल सकता है। तो आप ये फोन को भी देख सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें तो LG का V30+, LG इतना बड़ा ब्रांड है वो भी हेलियो P22 को चूज कर रहा है, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता है स्नैपड्रैगन के 6025 के लिए, जो कि चीपर प्राइस में भी मीडियाटेक प्रोसेसर मिल जाता है, इसलिए V30+ में भी लगा है, जहां पर आपको इधर ट्रिपल कैमरा के साथ स्टॉक 100 का फीचर देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन पार्ट का, तो मीडियाटेक का जितने सारे स्मार्टफोन प्रोसेसर है वेरी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो स्नैपड्रैगन का तो 625 636 अपना टाइम में अच्छे थे, लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी टाइम का, तो हेलियो P22, हेलियो P60, हेलियो P70 या फिर हेलियो का P25 और हेलियो का P90 भी लॉन्च हो गया है, उसका कुछ स्मार्टफोन सर अब तक नहीं आया, तो वो भी आने वाला है, बहुत ही धमाल मचने है मार्केट में। तो स्नैपड्रैगन का भी प्रोसेसर अच्छा रहता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं चीपर क्वालिटी या फिर अगर हम बात करते हैं मतलब एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स का, तो हेलियो P22 प्रोसेसर बहुत ही बेस्ट है। तो बस ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो मतलब समझ में आ गया होगा हेलियो P22 कितना बेस्ट है और क्या के लिए हेलियो P22 इतना स्मार्टफोन पे लगता है। तो बस ये था आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर कर देना और इसी बने साथ बोलते रहिए, बात मत की जय।